नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए चार्टर अकाउंटेंट इनकम टैक्स की ऑफलाइन यूटिलिटी से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर 3CA3CD और 3CB3CD के लिए कॉमन यूटिलिटी दी गई है, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट लीज डेट दी गई है वो भी आप यहाँ रेफ़र कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट यूटिलिटी से ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। इनकम टैक्स की वेबसाइट से यूटिलिटी जिप फाइल में डाउनलोड होगी, आपको इसे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसके बाद के यहाँ पे ये .exe फाइल आ जाएगी, आपको इसे डबल क्लिक करके रन करना है दोस्तों। उसके बाद आप यूटिलिटी को ओपन करेंगे, यहाँ तो यहाँ पे यूटिलिटी का वर्जन आएगा, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फॉर्म आएंगे कि आप 3CA3CD फाइल करना चाहते हैं या फिर 3CB3CD प्रिपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट वर्जन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3CB3CD पे क्लिक करेंगे फाइल नाउ बटन पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करनी है प्री फिल्ड फॉर्म, जो कि आप डाउनलोड करेंगे, जिससे कि हम अभी देखेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, तो आप यहां पे क्लिक करिए इंपोर्ट प्री फिल डेटा पे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। यहां आपको पैन नंबर एंटर करना है, जिस क्लाइंट के लिए आप ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका पैन नंबर यहां एंटर करेंगे, और जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पर चूज़ करेंगे, और फाइलिंग टाइप में आप यहाँ पर ओरिजिनल कर रहे हैं रिवाइज जो यहाँ क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल कर रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पैन नंबर एंटर करके आप प्रोसीड बटन पर प्रेस करेंगे। दोस्तों आपको प्रीफिल्ड फाइल डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट के आईडी से लॉगिन नहीं करना, बल्कि चार्टर अकाउंटेंट को अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। उसके बाद उसे पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पे वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस क्लाइंट ने आपको ऑथराइज किया है कि आप उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 3CB3CD उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपने ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो उस केस में आपको यहाँ पर बटन दिखाई देगा फाइल फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म ऑफलाइन मोड से प्रिपेयर करना है, उसके बाद यहाँ पे फाइल करना है, तो यहाँ क्लाइंट की पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए भी यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दी गई है, आप यहाँ से भी यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्री फिल्ड फॉर्म जेसन फाइल की ऑप्शन दी गई है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर एक्स्ट्रा प्री फिल्ड हो जाएंगे यूटिलिटी में, तो आपको यहाँ से जो जेसन फाइल है वो डाउनलोड करनी है, ताकि आप टैक्स ऑडिट यूटिलिटी में से इंपोर्ट कर पाएँ। और जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ही वो जेसन फाइल अपलोड करनी होती है, और यहाँ पे ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड करने होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको डेस्कटॉप ऑफलाइन यूटिलिटी जो आपने डाउनलोड की थी उसमें जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है। यहाँ पर जब आप सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में मैसेज आएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी, आप इसे चेक कर लीजिए, उसके बाद फाइल फॉर्म पे क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि GST रिटर्न, बैलेंस शीट, TDS स्टेटमेंट, ESI, PF चलान, बैंक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा, ये टैक्स ऑडिट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके। जैसे कि यदि आप 15 मिनट तक इस सेशन को आइडल रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, और आपको फॉर्म को वेरीफाई करना है, और जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ये फॉर्म तभी एप्लीकेबल है यदि टैक्स पेयर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होनी है। ये ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। यदि चार्टर अकाउंटेंट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव या क्वालिफिकेशन देता है तो उस केस में उसे रीज़न भी देने हैं, और ये ऑडिट रिपोर्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा साइन की जाएगी। तो यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ सबसे पहली टैब दी गई है फ़ोन नंबर 3CB को फिल करने के लिए, आपको इसे क्लिक करना है, उसे फिल करना है।
दोस्तों आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यदि आप फॉर्म है तो यहाँ पे वी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप क्या जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दे रहे हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर रहे हैं तो डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा जो क्लाइंट की डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अपने जेसन फाइल इंपोर्ट की है, किस पीरियड से किस पीरियड का आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डेट चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जो है यदि कोई कमेंट या ऑब्जर्वेशन है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड वो यहाँ पे दे सकते हैं अपने। और यहाँ पे जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप है, यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है क्लाइंट के द्वारा और आप रिपोर्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं या कोई और कारण की वजह से, तो आप यहाँ पे जो रीज़न है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल्स, टीडीएस स्टेटमेंट नॉट मेड अवेलेबल इट एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ से अकॉर्डिंगली जो है चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल में दे सकते हैं, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। दोस्तों जब आप ये सेव कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए फोन नंबर 3CB के सामने ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब ये टैब कंप्लीट हो गई है। अब आपको फोन नंबर 3CD फिल करना है तो आपको इसे क्लिक करना है और जो क्लोज बाय क्लोज डिटेल है वो एंटर करनी है। क्लोज 1 to 8 के अंतर्गत जो डिटेल है एंड उसके बाद की जो डिटेल है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे क्लोज बाय क्लोज चेक करनी है, इसके ऊपर आप मेरी सेपरेट वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं जो कि इसी चैनल CA Satbeer Singh पे उपलब्ध है। जब आप बेसिक डिटेल जैसे कि नेम ऑफ द टैक्स पेयर, एड्रेस, पैन, टेक्सचर चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कि क्या SSC इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लाइबल था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, GST टेक्स्ट्रा, तो उस केस में आप यहाँ पे जैसे ही यदि यस सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है यहाँ पे टैक्स पेयर का किस एक्ट के अंतर्गत लाइबल है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस स्टेट में लाइबल है, ये सभी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ऐड करेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स आप क्लोज बाय क्लोज सभी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद आपको बैक बटन पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड जेसन फाइल पे क्लिक करके जेसन फाइल को जनरेट कर लेना है। इसे आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है, उसके बाद CA को इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और जेसन फाइल को अपलोड करना है। इसके साथ ही जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट एक्स्ट्रा साइन किए हुए वो भी अपलोड करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि CA के द्वारा अपलोड किया जाता है उसमें UD नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी आपको UD नंबर जनरेट करके यहाँ पे एंटर करना है। यदि आपके पास अभी UD नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करके प्रोसीड कर सकते हैं और बाद में भी अपडेट कर सकते हैं UD। उसके बाद आपको फॉर्म को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करना है, उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया है, आप डैशबोर्ड पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है, तो क्लाइंट अपने लॉगिन ID से लॉगिन करेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, पेंडिंग एक्शन में जाएगा, यहाँ वर्कलिस्ट पे क्लिक करेगा। क्लाइंट यहाँ पे अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकता है जो कि CA के द्वारा अपलोड की गई है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। इस प्रकार आप आसानी से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbeer Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।